आज हम कुछ ऐसे टिप्स लेकर आए हैं जिससे आप अपने फ्रिज को ख़राब होने से लंबे समय तक बचा सकते हैं और साथ ही में ढेर सारा बिजली का बिल भी आप बचा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं फ्रिज को साफ करने के टिप्स हम बताएंगे। तो वन में देखेंगे फ्रिज को अच्छी तरह से साफ करने के से पहले इसमें रखा हुआ सारा सामान आप बाहर निकाल लें। और टू नंबर टिप है, उसके बाद आप फ्रिज को डीफास्ट करें। ऐसा करने से फ्रिज में जो भी बर्फ जमा होगी वह पिघल कर बाहर आ जाएगी और इस तरह आप उसे आसानी से साफ कर सकते हैं। और थ्री नंबर टिप में देखेंगे फ्रिज को अंदर से साफ करने के लिए आप बेकिंग सोडा या नींबू के रस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ऐसा करने से फ्रिज की बदबू दूर हो जाएगी। और फोर नंबर टिप में देखेंगे फ्रिज के अंदर पीले धब्बे को साफ करने के लिए आप हल्के गर्म पानी में नमक मिलाकर साफ करें, इससे सारे धब्बे साफ हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, जब भी आपके फ्रिज में धब्बे या कोई भी पीलापन रहता है तो आप इस तरह से साफ करेंगे तो बहुत ही आसानी से साफ भी हो जाएगा और आपका फ्रिज भी एकदम बढ़िया चमक जाएगा। और फाइव नंबर टिप में देखेंगे साफ़ करने के बाद आप फ्रिज को कुछ घंटे के लिए खोलकर रख दें। ऐसा करने से आपका जो भी बदबू रहेगा फ्रिज से वो बाहर हो जाएगा और क्लीन अच्छा से हो जाएगा। और यहाँ पे सिक्स नंबर टिप में देखेंगे फ्रिज को हमेशा खुली और हवादार जगह पर ही रखें ताकि उसके ऊपर और पीछे हवा जा सके। तो अच्छा से हवा जब लगेगा तो इसे फ्रिज जल्दी ख़राब नहीं होगा। और सेवन नंबर टिप में देखेंगे अगर आप बिजली की बचत करना चाहते हैं तो फ्रिज के टेम्परेचर को मीडियम पर ही सेट करें। तो फ्रेंड्स, इस तरह से भी आप बिजली का बचत कर सकते हैं। और एट नंबर टिप में देखेंगे फ्रिज में एक्स्ट्रा बर्फ निकालने के लिए समय समय पर डीफास्ट करें। ऐसा करने से बिजली की खपत कम होगी और ऐसे फ्रिज हमेशा क्लीन भी रहेगा। तो जब भी आपको लगे ज़्यादा बर्फ जम गया है तो इसे आप डिफास्ट करके रिमूव कर दें। और नाइन नंबर टिप में देखेंगे फ्रिज को बार बार ना खोलें, ऐसा करने से फ्रिज की कूलिंग कम होती है। तो फ्रेंड्स, बार बार खोलने से या पंखे कूलर चलाकर और वहाँ पे आप बार बार फ्रिज को खोलेंगे तो उसका कूलिंग पावर कम होगा और बिजली का खपत ज़्यादा होती है। और टेन नंबर टिप में देखेंगे फ्रिज को ओवन और गैस के पास मत रखें, नहीं तो आपकी फ्रिज जल्दी ख़राब हो सकती है। तो इसीलिए आप फ्रिज को कभी भी अलग जगह पर रखें, गैस या ओवन के पास मत रखें, जल्दी ख़राब हो जाता है फ्रिज ऐसा करने से। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर कर लीजिएगा ताकि जो भी हमारा न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।